दो आदमी 100 काम 100 दिन में करते हैं बेटा, ये पर्सन मैथ में भी है और रीजनिंग में भी है। कई जगह जैसे आपकी कई एग्जाम में मैथ नहीं आती, रीजनिंग आ गई, तो वहाँ ये पर्सन आ सकता है। और आया हुआ भी आए हुए पर्सन भी है, पटवारी भी आया हुआ है। इंसान अपनी 7 लाले 7 दिन में बनाती है, तो ऐसे ही है। 100 आदमी 100 काम 100 दिन में करते हैं, तो बताइए एक आदमी एक काम कितने दिन में करेगा? एक आदमी एक काम कितने दिन में करेगा जी? तो यहाँ आपका वही सूत्र जो पहले मैंने बताया, MDH/W आप न लिखे इसमें, आर की आवश्यकता नहीं, किसकी आवश्यकता नहीं, उसको नहीं लिखेंगे बेटा। अब यहाँ देख ले आप टाइप से इसमें मान सकते बेटा, M का मतलब कितने आदमी 100, और D का मतलब कितने, और काम कितने हैं 100। यहाँ 100 डाल दिया आपने, तो पहले में वो डालना जो आपको प्रश्न में दिया गया है, दूसरे में कितने एक आदमी एक काम कितने दिन में करेगा। जहां तक कि आप यहाँ जो अज्ञात संख्या है उसको सही ढंग से रखना है, आपको क्या याद करना है इसमें कितने दिन में करेगा, तो यहाँ भी रख दीजिए आप, इसका मान आपको याद करना है। अब एक का एक में भाग देंगे तो एक तो हमेशा संख्या से गुणन में होता है और भाग में होता है, सही है, और पावर में भी एक माना जाता है। तो यहाँ 100 से 100 कट गए, डी का मान कितना रहेगा बेटा 100 दिन में, कितने दिन में 100 दिन में करेगा एक काम। अब कैसे करेगा थोड़ा सा हम प्रैक्टिकली इसको कर लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए जैसे मेरे पास 3 आदमी है, यहाँ दिख रहे हैं आपको 1, 2 और 3, ये आदमी है। अब इन 3 आदमियों को 3 काम दे दिए मैंने, कितने काम दे दिए, एक एक काम दे दिए इनको, कुछ भी काम दे दिया गया इनको। यहाँ 3 आदमी है, इनको 3 काम दे दिए। अब यहाँ 3 आदमी आ गया, 3 आदमी 3 काम 3 दिन में करते हैं, तो सोचिए समय सबके साथ चलेगा, ये नहीं होगा इसमें कि एक दिन ये करेगा और एक दिन ये करेगा, ये 3 दिन में करते हैं, तो हर आदमी को कितने दिन लगे। ये 3 आदमी है जो आपको दिख रहे हैं यहाँ, और ये 3 दिन में 3 काम करते हैं, कितने काम करते हैं 3 काम 3 दिन लेते हैं, इन काम को करने में यहाँ कितने दिन लेते हैं, तो हर आदमी के एक एक काम हो गए बेटा, हर आदमी के एक एक काम हो गया तो 3 दिन लगे, सही, एक काम करने में कितने दिन, तो ऐसे ही 100 दिन। और फिर भी अगर आपका तंत्र पूछे तो इसमें सही ढंग से मान करते हैं, आपका प्रश्न सही होगा। ऐसा इस प्रश्न को मैंने चयन करके नंबर 2 दिया है, देखिए आप इसी प्रश्न को चयन करके मैंने नंबर 2 का प्रश्न दिया है, 100 आदमी 100 काम 100 दिन में करते हैं, तो बताइए एक आदमी एक दिन में कितना काम करेगा, काम का सोमावाद होगा, क्योंकि एक काम को करने में एक आदमी को 100 दिन लगते हैं, तो एक दिन में काम का सोमावाद होगा, इस प्रकार से बोले भी। तो यहाँ मान करते हैं MDH/W, एम का मतलब कितने आदमी है बेटा 100 आदमी 100 काम 100 दिन में करते हैं, तो एक आदमी एक दिन में कितना काम करेगा, वर्क पूछ रहा है बेटा ये, यहाँ देखिए गलती नहीं करनी है, यहाँ आपसे वर्क कार्य पूछ रहा है। एक आदमी देखिए बेटा आगे देख ले आप, मैं इसको यहाँ देता हूँ, इधर देखिए आप, तो 100 से 100 कट गए बेटा, यहाँ 100 है, 100 से 100 कट गए, तो यहाँ 100/1 = 1/W, W का मान याद करना है कितना काम करेगा पूछ रहा है, तो W से गुणा होने वाले मतलब गुणा होगा बेटा, यहाँ मान सही रखना है, तो इसको इससे गुणा कर दिया तो क्या आया मान, देखिए आप 100W = 1, और अज्ञात संख्या से गुणा और अज्ञात संख्या बटे में आती है, तो W = क्या आया 1/100, इसका आंसर हो गया काम का 100 बात करेगा एक दिन में, काम का बात समझ में आई या दोबारा बताए, बात सबके समझ में आ गई, एक बार और देख ले इसको हल्का सा, इस प्रश्न को नीचे वाले प्रश्न को देख ले आप, एक बार देखिए बेटा इसमें आपको मान रखना है 100 आदमी 100 दिन में 100 काम करते हैं, तो एक आदमी एक दिन में कितना काम करेगा, डब्लू पूछ रहा बेटा ये, फिर काट दे आप इसको, अब यहाँ 100/1 = 1/ क्रॉस कर दे बेटा, डब्लू से गुणा होने वाली संख्या बटे में आएगी बेटा, तो डब्लू से गुणा होने वाली संख्या बटे में आ गई 100, 1/100 काम करेगा बेटा, कितने काम करेगा 1/100 काम लिखना है आपको, सोमवार करेगा, ये हो गया कितना काम करेगा ये,
ऐसे ही प्रश्न नंबर तीन है, ऐसे ही प्रश्न नंबर तीन है आपके पास। चार आदमी चार काम चार दिन में करते हैं, चार आदमी चार काम चार दिन में करते हैं, कितने दिन में? चार दिन में करते हैं। तो आठ आदमी आठ काम कितने दिन में करेंगे? यहाँ रख दे आप एम डी एच बटे डब्ल्यू बराबर एम डी एच बटे डब्ल्यू। जब आप रख में कार्य करते हैं तो बार बार लिखते रहे, यही आपकी प्रैक्टिस है, यही आपका अभ्यास है। तो यहाँ देखिए चार आदमी चार काम चार दिन में करते हैं, घंटे नहीं दिए। तो यहाँ देखिए अब आगे आप आठ आदमी आठ काम कितने दिन में करेंगे, डी आपको याद करना है। सबसे पहले याद करने वाला कंफ्यूज नहीं होगा आपको, चार से चार और आठ से कितना गया? चार। यहाँ तक बात समझ में आई आपके? अगर काम देती रहता है या इससे घट दे देता है तो ये आपका हल हो जाएगा।